शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे कौन यहाँ क्यों करा? कुछ कुछ कुछ, अरे छुपो क्यों तो पीछे? कुछ कुछ नहीं किया, कुछ ये क्या, कुछ क्या ये, कुछ अबे क्या ये? अच्छा तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है, ये चोरी करने लगा है। मीने चोरी करता है, चोरी करता है। नहीं छोड़ो मुझे, तुम नहीं जानती इस कमीने ने क्या किया। मैं इसकी हड्डियां तोड़ूंगा, इसकी हड्डियां तोड़ूंगा। चंदन, तू सचमुच मार खाने के लायक है। तुझे मेरी परवाह नहीं, न सही, मगर ये तेरा बड़ा भाई है, कम से कम इसके सामने तो तुम। अरे कौन भाई, किसका भाई? ये मेरा भाई। इस सिगरेट का दम मारते मारते इसका सारा बड़ापन निकाल दूंगा। अरे पिताजी को मरे हुए भी 10 दिन हुए नहीं और ये लग गया हमारा बाप बनने, अपनी धौंस अपना अधिकार जमाने। इससे कहो अपने हाथ काबू में रखे। मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि मेरी बेटी राधा आप जैसे इज्जतदार नहीं मैं इज्जतदार और सज्जन लोगों के साथ थी, वरना मैं तो परेशान नहीं परेशान हो गया था। मैं माफ करना बेटी, मैंने अनजाने में तुमको भला बुरा कहा, डांटा, गालियां दी। कैसी बातें करती हो दादी माँ, बड़ों के मुंह से निकली हुई गालियाँ छोटों को दुआ बनकर लगती है। जो बड़ों की डांट खा लेता है वो जिंदगी की ठोकरें नहीं खाता। आप लोगों ने मुझे जिंदगी में वो अपनापन दिया जो मैं अपने पिता की पूरी दौलत खर्च के भी नहीं खरीद सकती थी। मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। डैडी, आपने इन्हें पहचाना? नहीं बेटी, क्या आजकल मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है तो मुझे कुछ याद नहीं रहता, भूलने लगा हूँ। खैर चलो घर चलते हैं, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतजार कर थी? नहीं मेरा मतलब इंतजार कर रही होगी। बेटी हम इस लायक तो नहीं है, लेकिन कभी हमारी याद आएगी तो मिलने आओगी ना? आओगी ना? जरूर पत्नी, मैं कभी आप लोगों को भूल सकती हूँ? आप सिर्फ दिल में राधा को याद करिए करना, मैं खुद बखुद चली आऊंगी। चले आना बेटी, जरूर आना। बेटी तेरी माँ तेरा ऊपर इंतजार कर रही है, क्या मिली? बेटी सुन, मेरे पैर में जरा तकलीफ है, तू ऊपर जाके तिजोरी खोल के 50,000 रुपए निकाल के लाना, ऑफिस में लोगों को तनख्वाह देनी है। मैं कैसे ला सकती हूँ डैडी, आपने तो मुझे तिजोरी का नंबर बताया ही नहीं। यही तो मुसीबत। अब देख मेरी याददाश्त को जाने क्या हो गया है, तेरे को नंबर नहीं बताया, तेरी माँ को भी नहीं बताया, मैं खुद ही भूल गया। और पैसों की अब तक जरूरत है क्योंकि ऑफिस में लोगों की तनख्वाह देनी है, किधर कर दूंगा? नहीं नहीं तू 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 जा। ये सलाह हराम खोर सेठ कितना कंजूस से, देखो अपनी बेटी को नंबर नहीं बताया, अपनी बीवी को नहीं बताया, तो क्या अपने बाप को बताया? वो भी सलाह में मर गया, कुत्ते का बच्चा साला। प्रकाश। अरे राधा तुम? हाँ प्रकाश, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे पिताजी। क्या हुआ तुम्हारे पिताजी को? प्रकाश कुछ गड़बड़ है, मेरी मम्मी ही नहीं मैं भी उनको देखकर बहुत परेशान हो रही हूँ। वो मेरे पिताजी नहीं हो सकते प्रकाश। ये तुम क्या कह रही हो? इसके बहुत से कारण हैं। तुम्हें याद है जिस दिन मुझे लेने के लिए वो तुम्हारे घर आए थे उस दिन उन्होंने तुम्हें नहीं पहचाना? ऐसा कभी हो सकता है? पिताजी की याददाश्त तो कंप्यूटर की तरह है और आज अपनी जान से ज्यादा प्यारी तिजोरी का नंबर भूल गए। अब मुझसे मम्मी से कहते हैं उसे खोलो। इसके अलावा बाएं हाथ की जगह दाएं हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। लेकिन अब क्या करना चाहिए? तुम भी मेरे साथ चलो, मालूम करते हैं कि असलियत क्या है। ठीक है रहीम चाचा, मैं अभी आया। नमस्ते गिरधारी लाल।
मार्लन ब्रांडो माइंड स्पेशलिस्ट, यानी कि दिमाग का डॉक्टर हूँ और मैंने तुम्हारे दिमाग की चोपड़ी पड़ी है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि तुम्हारे दिमाग के बर्तन में आकाश के कीड़े मर गए हैं। जिस तरह प्लेट मारने से मच्छर मर जाती है, हमें उन कीड़ों को फिर से जगाना होगा। एक एक कीड़े को उठाकर उसमें अक्कल का इंजेक्शन घुसाना होगा। इससे पहले तुम्हारी खोपड़ी का ढक्कन खोलकर उसमें से बाहर निकालना होगा। कोई जरूरत नहीं है, मरना है क्या? एक तो तुम्हारा नाम एक नहीं लंबा है, मेरा ऑपरेशन कर दिया, मैं लंबा हो गया तो ना। ये डॉक्टर, ऑपरेशन का सामान कहाँ है? इधर सब तैयार है, एवरीथिंग इज रेडी। ये तो कसाई का छुरा है, इससे तुम मेरा ऑपरेशन करोगे? मिस्टर गिरधारी लाल जी, तुम्हारा भेजा मर चुका है, एकदम मुर्दा लकड़ी के माफक हो गया है, इसलिए उसे इस छुरे से ठंडा करके खोलना होगा। नर्स, इस मुर्दे को अब मेरा मतलब है इस मरीज को ले जाकर पलंग पर सुला दो। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मैं यही ठीक हूँ। पेशेंट पेशेंट, हिम्मत करो, जैसे डॉक्टर बोला वैसे ही करो। मिस्टर बल्ले चौपाल, अरे मेरी माँ, जाओ, मैं भगवान की कसम खाता हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा भेजा बिल्कुल ठीक है, मेरा नारियल मत काटो। हर मरीज ऑपरेशन का सामान देखकर ऐसे ही बोलता है। चलो जल्दी उठो, नहीं तो मैं डेढ़ गज लंबा इंजेक्शन। कोई बात नहीं, अगर मरीज पलंग पर नहीं आता है तो ना सही, हम इसका ऑपरेशन यही बैठे बैठे। नहीं नहीं, मुझे 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 माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं भगवान की कसम खाके कहता हूँ, मैं गिरधारी लाल सेठ नहीं हूँ, फकीर हूँ, भिखारी हूँ, ऐसा भिखारी हूँ जिसको भिखारी भी भीख देके जाते हैं। मैं गिरधारी लाल सेठ का हम शक्ल हूँ, मेरा नाम बांके लाल है, ये देखो, ये मैं गिरधारी लाल नहीं हूँ, उनका हम शक्ल हूँ। अब आया ना ठिकाने पर, अब बता असली सेठ गिरधारी लाल जी कहाँ है? बताता हूँ महारानी, एक मुझसे भी ज्यादा 420 आदमी है, डेविड। अबे ओए, तू कितना खड़ूस आदमी है, अबे बोल, तेरी तिजोरी का नंबर क्या है? कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा तरीका भी है। ये देखो, ये छोटू है ना, इसके मुंह में जो दांत है कील से भी ज्यादा तेज है, जानते हो? ये बड़े से बड़े कबड़ को चबा चबा कर उसका भूसा बना सकता है। अब बता दो ना तिजोरी के नंबर क्या है? नहीं बताऊंगा, मैंने कहा ना नहीं बताएगा। ठीक है, छोटू इस साले की टांग को काट काट कर कीमा बना दो। नहीं, हम नहीं कटेगा। नहीं कटेगा क्या? बोलो बे, मैं नहीं कटूंगा, ये मेरे बाप जैसा है। अबे साले, तो फिर मैं तेरे और तेरे बाप का बोझा क्यों उठाऊं? मेरे को नीचे फेंक दिया दंगना कुर्ता। हाँ तो सेठ, अब तेरे लिए कोई और इलाज ढूंढना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, उस दिन मेरी ऑफिस में मेरे गले पे छुरा रखकर मुझे धमकाने वाले क्रांतिकारी तुम ही थे ना? जी हाँ, आप दौलत के घमंड में पढ़े लिखे गरीबों की मजबूरी का मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बगावत पर उतर आया था। ए, पकड़ो उसको, वो भाग रहा था, पुलिस हवाले कर दो। नहीं सर, ऐसा मत करना, ऐसा मत करो, मैंने जो कुछ भी किया किसी मजबूरी के कारण किया। मुझे घर से गायब करवा के खुद मेरे घर जा बैठे और कहते मजबूरी के कारण किया? हाँ सर, इस दुनिया में इंसान हर काम मजबूर होकर ही करता है,
ये बच्चा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये मेरे दोस्त का बच्चा है, उसने मरते वक्त इसे मेरे हवाले की और मैंने इसे हमेशा अपनी औलाद की तरह अपने सीने से चिपकाए रखा। इस बच्चे के दिल में पैदाइशी सुराख है। डॉक्टरों का कहना है ऑपरेशन अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए 50,000 रुपए की जरूरत है। साहब, मुझ जैसा भिखारी इतनी बड़ी रकम कहां से ला सकता है? इसलिए जब मैंने आपको देखा तो ये गंदा विचार मेरे मन में आया और मैं ये बेहूदा हरकत कर बैठा। अगर आप समझते कि मैं गुनहगार हूं तो मैं आपका मुजरिम हूं। आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन कोई ऐसी सजा मत दीजिए जिसके कारण ये बच्चा मेरे बगैर तड़प तड़प के मर गया। सर, ऐसी कोई सजा मत दीजिए। सर, इस बच्चे को मत मारिए। सर, मुझे जो सजा देने दो, मुझे मेरा बच्चा न मरने पाए। सर, मेरा बच्चा न मरने पाए। सर, देखो सर जी, इस दुनिया में औलाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। ये दूसरे की औलाद को अपनी औलाद से बढ़कर चाहता है, और आप अपनी औलाद को गैर की औलाद से कमतर समझते हैं। आप दौलत के मैदान में भले ही अमीर हो, लेकिन इंसानियत और जज्बात के मैदान में आप इस फकीर से भी बहुत ज्यादा गरीब हैं। बेटी, बेटी, प्रकाश बेटे, मैंने सुना है तुम्हारा घर कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं तो। शुक्रिया सेठ जी, आपका इतना कह देना ही काफी है। बाप का लिया हुआ कर्ज अदा करना बेटे का धर्म है, और मैं अपना धर्म खुद ही निभाऊंगा। भगवान ने यह हाथ मेहनत करने के लिए दिए, फैलाने के लिए नहीं। मर्द का हाथ मेहनत करने के बजाय फैलना शुरू हो जाए तो उसे काट कर फेंक देना ही बेहतर। मगर कर्ज का बोझ उतारोगे कैसे? कर्ज के पहाड़ को मेहनत की कुल्हाड़ी से काटेंगे, कुछ करेंगे। भाइयों और बहनों, हमारी रॉयल साइकिल की खूबियों को जांचने के लिए कंपनी की तरफ से ऐलान है, जो कोई भी लगातार 7 दिनों तक साइकिल चलाएगा उसे 10,000 रुपया इनाम में दिया जाएगा। याद रखिए, 10,000 रुपया 7 दिनों में, 10,000 रुपया 7 दिनों में, 10,000 रुपया। सुना है आजकल पैसों के लिए तू हर घटिया काम कर रहा है, साइकिल चला रहा है। अगर यही तेरे लक्षण रहे तो खानदान की इज्जत का सत्यानाश होकर रह जाएगा। क्यों सत्यानाश होगा हमारे खानदान की इज्जत का? मैं कोई चोरी का काम कर रहा हूँ या उस जन्म देने वाली माँ को धोखा देकर कोई गलत काम कर रहा हूँ? मैं सिर्फ साइकिल ही तो चला रहा हूँ, कोई जुआ खाना या शराब खाना तो नहीं चला रहा। देखो प्रकाश, छोटे खानदान वाले जुआ खाना या शराब खाना चलाए या बड़े खानदान वाले साइकिल चलाए, बात तो एक ही है, दोनों ही इज्जत के मुंह पे जूता मारने वाले काम। इससे पहले भी तुमने लोहार के हाथ जाकर हथौड़े चलाए थे, उन्हीं हथौड़ों ने खानदान की इज्जत को चकना चूर करके रख दिया, उसी के कारण तुम्हारे पिताजी मर गए। और अब क्या तुम? मेरा बुआ, मेरे पिता मेरे लोहार के हथौड़ा चलाने के सदमे से मर गए, ये तुम मुझसे कह रही हो? मेरे पिता की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये एहसास तुम मुझे दिला रही हो? तुम प्रकाश, ये क्या कह रहा है? आप कोई नया तमाशा खड़ा कर देना चाहता है? मैं कोई तमाशा खड़ा नहीं कर रहा हूँ माँ, बल्कि तमाशा करने वालों को जवाब दे रहा हूँ। ये कह रही कि पिताजी मर गए, मैं इन्हें बतला रहा हूँ कि पिताजी मरे नहीं, बल्कि हम सब ने अपने पैरों तले कुचल कुचल कर उन्हें मार डाला। प्रकाश। हाँ माँ, हम सब उनके कातिल हैं। वो बेचारा इंसान दिन रात मेहनत करके 500 रुपए लाता था, और उन 500 रुपए से हम सबके दामन में खुशियां डालना चाहता था, लेकिन हम लोगों ने उनकी मेहनत की कदर न करते हुए अपने दामन ज्यादा फैलाने शुरू कर दिए, और जिंदगी का दामन उनके हाथ से छूट गया। अपने गिरेबानों में झांक कर अपने दागदार जमीर को देखने के बजाय मुझ में बुराई तलाश कर रहे हैं। अब आप लोग माने या ना माने, मुझे जो काम करना है करके रहूंगा। भगवान, अरे मेरा पंखा, अरे बाबूजी, कमरे में घुसकर
वैसे अपने बस में करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो सोया हुआ है या नहीं। अगर हम ये सोचकर वहाँ पे गए कि वो सोया हुआ है और वो सोया हुआ ना हुआ तो अचानक बम की तरह पर फूट सकता है। मेरे ख्याल से तुम गुड़िया के पास जाकर कोई नाटक शुरू कर दो, वो खुद ही अपने आप पैसे चुरा कर हमारे हाथों में रख देगी। वेरी गुड। अरे बेटी रहने दे, क्यों तकलीफ कर रही है? अरे तकलीफ कैसी बात माँ? प्रकाश कह रहा था कि उसने जो साइकिल चलाकर पैसे जीते हैं उनसे पहले वो बाहर वालों का कर्जा उतारेगा, हमसे रुकने के लिए कह रहा। अरे बेटी प्रकाश को तो हमने साइकिल चलाने से मना किया था, अब किस मुंह से उससे ये पैसे मांगेंगे हम? तुम प्रकाश के कमरे में चुपचाप जाकर वो पैसे उड़ा लाओ, तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। प्रकाश ने रात दिन मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं और तू मुझे वो चुराने के लिए कह रही है? अब मैं समझी इस घर में चोर कौन है, मेरे बेटे के पैसे किसने चुराए? तूने, तू खूनी है, मेरे बेटे का खून तूने किया। दादी माँ, क्या हुआ दादी माँ? क्या हुआ क्या हुआ दादी माँ? कुछ नहीं बेटा, बुरा सपना देखा था, तेरे पिताजी की याद आ गई। रो मत दादी माँ। सो जाओ दादी। अब आराम से सो जाओ। कौन है? अरे कौन? यहाँ क्यों करा? कुछ नहीं। अरे छुपो क्यों तो पीछे? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। ये क्या? कुछ नहीं। क्या है ये? कुछ नहीं। अबे क्या है ये? अच्छा तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है, ये चोरी करने लगा है। भागता कहाँ है कमीने? कमीने चोरी करता है? चोरी करता है? नहीं छोड़ो मुझे। तुम नहीं जानती इस कमीने ने क्या किया, मैं इसका हड्डियां तोड़ूंगा, इसकी हड्डियां तोड़ूंगा। चंदन, तू सचमुच मार खाने के लायक है, तुझे मेरी परवाह नहीं ना सही, मगर ये तेरा बड़ा भाई है, कम से कम इसके सामने तो तुम। अरे कौन भाई, किसका भाई? ये मेरा भाई। इस सिगरेट का दम मारते मारते इसका सारा बड़ापन निकाल दूंगा। अरे पिताजी को मरे हुए भी 10 दिन हुए नहीं और ये लग गया हमारा बाप बनने, अपनी धौंस अपना अधिकार जमाने। इससे कहो अपने हाथ काबू में रखे, वरना हाथ मेरे भी हैं और मुझे चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है। अरे चुप, बड़े छोटे का तुझे तरह भी लिहाज नहीं। अरे चुप, ये तेरा छोटा भाई है। आई एम सॉरी, तुमसे इज्जत से पेश आना चाहिए। मिस्टर चंदन, तुम खुद मुख्तार बनना चाहते हो, तुमसे बड़ों की इज्जत नहीं होती, तो चले जाओ यहाँ से। अच्छा चला जाऊं? अगर मैं इस घर से चला गया तो जानते हो क्या होगा? और अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो जानते हो तुम्हें क्या करना होगा? जानता हूँ, बड़ा भाई कहकर तुम्हारी पूजा करनी होगी, तुम अगर मानोगे तो चुपचाप सहना होगा, अपनी जबान बंद रखनी होगी, यही ना? नहीं, सिर्फ यही नहीं बल्कि इस घर में मुफ्त खोरों के लिए कोई जगह नहीं। अगर इस घर में रहना है तो बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, तब जाकर रोटी मिलेगी, वरना नहीं। समझा? मुझे इस घर में रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खाना खाने से पहले तुम लोगों की गालियां खानी पड़ेंगी। तो ठीक है, मेरे माँ बाप के बड़े बेटे और मेरे सबसे बड़े दुश्मन मिस्टर प्रकाश, तुझे सबक सिखाने के लिए मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। गुड बाय।